अगली खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष एवं मुन्ना सिंह मृतक बलवंत सिंह के निधन पर गांव जाकर गहरा शोक व्यक्त किया है। एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने मृतक बलवंत सिंह के पुत्र और पुत्री को अपने वेतन से एक महीने की सैलरी एवं हाई एजुकेशन में मुफ्त शिक्षा अपने महाविद्यालय में देने की घोषणा की एवं आरोपित पुलिस एवं पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की बात कही है। जिलाध्यक्ष ने कहा, आरोपी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कठोर कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री से मिलकर इस घटना में शामिल पुलिस एवं पुलिस अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा कहा गया है। और फिर कह रहा हूँ कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में, और अभी कुछ ही घंटों में आपको परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, भाई हमारा चला गया, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन अब वो जो भी दोषी है उनकी आगे आने वाले, हाँ उनको तो ये सबक मिले कि नहीं कोई दूसरा ऐसा ना करे, कम से कम पुलिस तो बहुत है। ये जो क्या उसका गौतम कौन है, वो जो कन्हैया कन्हैया वाला, वो प्रशांत गौतम, प्रशांत गौतम है, सोजी इंचार्ज, सोजी इंचार्ज, वो नेम है, वो तो नेम है, वो नाम है। हाँ ये यहाँ का एक छूट गया, हम लोगों को जानकारी वो हमें बाद में जानकारी। चलो जो घटनाक्रम है बहुत ही दुखद है, और जो हमारा भाई बलवंत हम लोगों के बीच में नहीं है, जैसे समाचार मिला चूँकि मैं बाहर था, इस वजह से अभी सबके परिजनों के बीच में पहुँचा हूँ। उस भाई की भरपाई तो नहीं हो सकती है, दुख की इस घड़ी में चूँकि हमारा परिवार है, हम लोग परिवार के साथ हैं और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जनपद के और हमारे इन्हीं सब लोगों के कारण से मुझे विधान परिषद में भी विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला, पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते, जनपद का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं इस दुख की घड़ी में भाई बलवंत की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके दो छोटे बच्चे हैं, मैं बेटे के लिए बेटी के लिए अपने जो विधायक के नाते जो मुझे वेतन मिलता है, एक एक महीने का वेतन दोनों बच्चों को दूँगा, और जो हायर एजुकेशन को लेकर के दो शिक्षण संस्थान हैं मेरे, जिसमें मैं स्वयं प्रबंधक के रूप में हूँ और उसमें कई फैकल्टियाँ संचालित हैं, दोनों बच्चे हायर एजुकेशन में, उनको मुफ्त शिक्षा की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ, और परिवार जब जिस भी तरीके की आवश्यकता महसूस करेगा, जो मुझ में एक सामर्थ्य, एक कार्यकर्ता के नाते, एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते, मैं परिवार के साथ हर सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में उनके साथ खड़ा रहूँगा। और इस घटनाक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जांच निष्पक्ष होगी और दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे।